name is Naman and welcome back to techpressgadgets.com. Guys, I hope आपको unboxing video जो था वो पसंद आया होगा. अगर अच्छा लगा हो तो please like जरूर दीजिए. तो guys, आज की इस video में हम बात करने वाले हैं Revtek की तरफ से एक Bluetooth earphone का. अगर इसका पूरा नाम आपको बता दूं तो वो है Revtek Stream Powerful Bass. ये एक प्योरली स्पोर्ट्स रिलेटेड ब्लूटूथ ईयरफोन है, लेकिन आप इसको स्पोर्ट्स के साथ साथ रेगुलर यूसेज के लिए भी जो है यूज़ कर सकते हो. काफ़ी अच्छा और बढ़िया ब्लूटूथ ईयरफोन है. वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसको जो है मैं 2-3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और इसकी कुछ फंक्शनैलिटी जो है मुझे काफ़ी बढ़िया लगी. इसके कुछ स्पेसिफिकेशन जो है वो अच्छे लगे, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ. तो वीडियो आप लोग अच्छे से देखते रहिए. सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करते हैं, तो भाई डिज़ाइन एक तरीके से यूनिक सा ही है. अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको ट्रायंगल शेप मिल जाता है, उसके साथ साथ आपको ऊपर की तरफ ईयर क्लिप्स मिल जाते हैं. तो ये ईयर क्लिप जो है काफ़ी बढ़िया है. इसको आप अगर कान में पहनते हैं तो भाई ये इधर उधर नहीं होगा, स्टिक रहेगा. रनिंग वगैरह के थ्रू जो है ये आराम से आपके कान में ही जो है लगा रहेगा. और इसका जो वायर है वो भी काफ़ी ज़्यादा थिक है, लाइक अच्छा सा मोटा सा आपको वायर मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है इस ब्लूटूथ ईयरफोन को. और अगर आप नीचे की तरफ ध्यान से देखते हैं तो आपको ये स्पीकर ग्रिल तरीके के दिखेंगे, लेकिन ये स्पीकर नहीं है, ये एक तरीके के माइक है. मैं अगर बता दूं तो भाई ये CVC 6.0 नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है, यानी कि इसको जब आप कॉलिंग के लिए यूज करते हो तो बैकग्राउंड नॉइज जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देता है. इसको मैंने कॉलिंग के लिए यूज किया है तो बैकग्राउंड नॉइज सच में ही जो है बहुत ज्यादा रिड्यूस की है. कोई भी ज्यादा फालतू की आवाज जो है सामने वाले के पास नहीं जाती है. काफी बढ़िया टेक्नोलॉजी है. ये ब्लूटूथ ईयरफोन IPX7 वाटरप्रूफ प्रोटेक्शन के साथ आते हैं, यानी कि पूरी तरीके से ये वाटरप्रूफ है. तो इसकी टेस्टिंग के लिए मैंने इसको जो है पूरी तरीके से ग्लास में डुबा दिया था, उसमें भी जो है ये म्यूजिक बज रहा था कंटिन्यू. अगर आप ध्यान से सुनते हैं वीडियो में तो आपको जो है म्यूजिक सुनाई दे रहा है जो इस ब्लूटूथ ईयरफोन के अंदर से ही आ रहा है. उसके बाद मैंने इसको निकाला है, उसके बाद भी अगर आप सुनेंगे तो आपको जो है साउंड आएगा. ये जो है पूरी अच्छी खासी कंडीशन के साथ ये बाहर निकला है, कोई भी इशू नहीं हुआ है. तो ये जो है IPX7 इन्होंने ऐसे ही नहीं लिखा है, इसको मैंने टेस्ट करा है अच्छे तरीके से. वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर प्रूफ है, और इसके साथ साथ स्वेट वगैरह अगर आपको आता है रनिंग के टाइम पे तो ये अच्छी खासी प्रोटेक्शन जो है आपको इसमें मिल जाएगी. अगर बात करें कनेक्टिविटी की तो गाइज इसमें आपको ब्लूटूथ 4.2 मिलता है, यानी कि स्टेबल कनेक्शन जो है आपको इसमें मिल जाता है. उसके साथ साथ इस कॉलिंग और म्यूजिक के टाइम में भी जो है कॉल ब्रेक का इशू नहीं फेस करने को मिला मुझे. अब अगर इसकी फंक्शनैलिटी की बात करें तो गाइज राइट साइड में आपको सारी फंक्शनैलिटी देखने को मिलती है, चाहे वो चार्जिंग हो, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, पॉज, प्ले, सब कुछ जो है आपको राइट साइड में देखने को मिलता है. तो गाइज इसको जो है आप मीडिया कंट्रोल के लिए काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो. लाइक वॉल्यूम अप के बटन को अगर आप 3 सेकंड तक दबा के रखते हो तो आप सॉन्ग को नेक्स्ट कर सकते हो, नेक्स्ट सॉन्ग को प्ले कर सकते हो. वही वॉल्यूम डाउन के बटन को कर सकते हो तो आप सॉन्ग जो है पीछे प्रीवियस सॉन्ग को प्ले कर सकते हो. गूगल असिस्टेंट वगैरह को भी ये सपोर्ट करता है. थोड़ी देर के लिए अगर आप बीच वाला बटन दबा के रखते हो तो गूगल असिस्टेंट या फिर सिरी जो है इनेबल हो जाएगा. अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में. तो गाइस मैं बहुत दिनों से अलग अलग तरीके के ब्लूटूथ ईयरफोन यूज़ कर रहा हूँ. इन ब्लूटूथ ईयरफोन का साउंड मुझे लाइक अगर मैं अच्छे से आपको बताऊँ तो इसमें आपको पावरफुल बेस मिल जाता है. बेस वगैरह के मामले में काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग और पंची वाला जो बेस होता है वो आपको मिलता है. और बहुत से लोग होते हैं जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ ईयरफोन लेते हैं तो उनके लिए जो मेन प्रायोरिटी होती है वो होती है लाउडनेस, उसके साथ साथ लाइक हैवी बेस. तो ये जो है काफ़ी अच्छा है, अच्छे से आप इसको यूज़ कर सकते हो. अगर मैं बात करूँ क्लैरिटी की तो इसमें जो है आपको CSR 8635 का सपोर्ट मिल जाता है. तो साउंड क्लियरिटी के मामले में भी जो है ये काफ़ी बढ़िया मुझे लगा है. ऐसा नहीं है कि बेस ज़्यादा है तो साउंड क्लियरिटी कम हो जाती है, साउंड क्लियरिटी भी अच्छी मिलती है. लेकिन ट्रिबल जो है वो इतना ज़्यादा कोई खास नहीं है. लाइक इसमें आप अगर बिल्कुल सॉफ्ट वाले सॉन्ग सुन रहे हो तो आप इतने अच्छे से इन्जॉय नहीं कर सकते हो जितना आप बेस वाले जो सॉन्ग है वो इन्जॉय कर सकते हो. तो गाइस ऐसे लोग जिनको लाउडनेस और बेस वाले सॉन्ग ज़्यादा पसंद है तो उनके लिए ब्लूटूथ ईयरफोन काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है. और मैं इस चैनल पे बहुत अलग अलग तरीके के ब्लूटूथ ईयरफोन की वीडियोस बना चुका हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक नई एक प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना दी जाए. तो गाइस आप जो है आई बटन में जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें आपको अलग अलग तरीके के जो है ब्लूटूथ ईयरफोन देखने को मिल जाएंगे. अगर बात करूँ इसकी बैटरी लाइफ की तो गाइस ऑन पेपर 12+ आवर की इसकी बैटरी लाइफ दी गई है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आपको बताऊँ तो भाई 7 घंटे तक का इसने बैटरी बैकअप दिया था. 2 घंटे तक का जो है ये चार्जिंग टाइम लगाता है और आपको 7 आवर्स का जो है बैटरी बैकअप दे देता है. तो ईयरफोन के साथ आपको केस भी मिलता है और ये जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लगा है. सामने की तरफ आपको Revtek मिलता है, उसके साथ साथ कार्बन फिनिशिंग के साथ आता है जिसके कारण इसका लुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा कूल हो जाता है. और बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे कमेंट में ये पूछते हैं कि भाई केस बताओ किसी ब्लूटूथ ईयरफोन के लिए. तो गाइस इस ब्लूटूथ ईयरफोन के साथ आपको इनबिल्ट जो है केस मिल रहा है, आपको अलग से केस लेने की ज़रूरत नहीं है. और ये केस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रीमियम है. अब अगर मैं अपना ओवरऑल ओपिनियन दूँ तो गाइस बहुत से ऐसे लोग हैं जो ब्लूटूथ ईयरफोन को रफली यूज़ करते हैं या फिर केयरफुली यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए
ब्लूटूथ ईयरफोन काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको स्ट्रॉन्ग वायर मिलता है, अच्छा खासा आपको केस मिल जाता है जो अच्छी प्रोटेक्शन आपको दे देगा, IPX7 वाटरप्रूफिंग के साथ आता है, उसके साथ साथ साउंड क्वालिटी भी जो है बढ़िया इसमें मिल जाती है, बैटरी लाइफ भी जो है 7-8 घंटे की दे देता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो अच्छा खासा पैकेज आपको मिलता है। उसके साथ साथ अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 3000 रुपीज़ में मिलता है। अभी सेल में जो है थोड़ा बहुत इसका प्राइस लो चल रहा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो है लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके इसको परचेस कर सकते हैं या फिर चेकआउट कर सकते हैं कि कैसा क्या है आपको ब्लूटूथ ईयरफोन देखने को मिलता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में जाके जरूर पूछिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी जाके जो है DM करके कुछ भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको जो लिंक है इंस्टाग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके मुझे फॉलो करिए और DM करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।